Hello student, today we will start from question number 11. This is the exercise 13.2. Now I am going to read the 11 number question. The age of a father is 49 years. Any yani father ki jo age hai, wo 49 years. Hai. He is 4 years older than 3 times his son's age. यानी फादर जो हैं वो बेटे से फोर ईयर ओल्डर हैं कैसे देन थ्री टाइम्स हिज सन सेज यानी अपने बेटे की एज का थ्री टाइम्स कर दिया जाए उनके बेटे की एज को तो जो थ्री टाइम्स आएगा तो उससे भी वो फोर ईयर्स ओल्डर हैं यानी वो चार साल और बड़े हैं बेटे की एज में थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट इज़ द एज ऑफ हिज सन यानी उनके बेटे की एज क्या है तो लेट द एज बी एज ऑफ सन बी हमने हंड्रेड वो सॉरी एक्स सपोर्ट सपोज कर ली तो उनका भी बेटा जो है एक्स ईयर्स का है और एज ऑफ फादर कितना है थ्री एक्स यानी बेटे की एज का थ्री टाइम्स पहले करेंगे जैसे यहाँ करा गया कहा गया कि थ्री टाइम्स यहाँ हमने बेटे की एज का करा उससे भी फोर ईयर्स ओल्डर थे वो तो फोर ईयर और एड कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे अनुसार जो है जो है इसकी एज जो है थ्री एक्स प्लस फोर जो स्टेटमेंट जो कहा था ठीक है ना कि स्टेटमेंट में हमारे हमने जो निकाला है वो थ्री एक्स प्लस फोर हो गया लेकिन ऑलरेडी इसमें फोर्टी नाइन ईयर्स बताई गई है और जो हमारे द्वारा एज निकाली गई वो थ्री एक्स प्लस फोर है और क्वेश्चन में दे रखी है फोर्टी नाइन तो यानी ये दोनों एज चेंज तो होंगे नहीं दोनों ही फादर की एज हैं तो इक्वल होंगी तो इन दोनों की एज को हमने यहाँ इक्वल कर लिया तो इक्वल करके यहाँ हमने इसको नोट कर लिया ये हमारे पास थ्री एक्स प्लस फोर ये किसकी एज है फादर की और फोर्टी नाइन भी फादर की जानवी दोनों की एज फादर की ही हैं तो इक्वल करके लिख लेंगे अब इसको हम ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा सब टट करेंगे फोर्टी नाइन थ्री को डिवाइड में ले जाएंगे स्टूडेंट्स अब थ्री से हम फोर्टी फाइव को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा फिफ्टीन होगा और जो फिफ्टीन होगी वो एक्स की वैल्यू होगी और एक्स क्या चीज़ हमने सपोज़ करी थी द एज ऑफ एज सन यानी एज जो है उनके बेटे की जो है फाइव फिफ्टीन ईयर्स हो गई ओके स्टूडेंट्स तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डेविड इज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज जोसेफ यानी कि जो डेविड है वो थ्री टाइम्स है यानी तीन गुना बड़ा है जोसेफ से ठीक है ना आफ्टर थ्री ईयर्स इफ डेबिट विल भी ट्वाइस एज ओल्ड एज जोसफ्स एज यानी कि वो जोसफ्स की एज से तीन साल के बाद की बात कर रहा है वो कि ट्वाइस हो जाएगा बोला कि डेबिट जो है आफ्टर थ्री ईयर्स में यानी तीन साल के बाद में ठीक है ना तो जोसफ़ की एज का ट्वाइस हो जाएगा तो देन फाइंड देयर प्रजेंटेज तो आप उन दोनों की आपको प्रजेंटेज फाइंड करनी है द्रज लेट द प्रजेंटेज ऑफ जोसे जोसेफ बी एक्स यर्स हमने सपोज कर ली एंड द प्रजेंटेज ऑफ डेविड तो थ्री एक्स है उसने स्टार्टिंग में कहा था कि डेविड इज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज जोसेफ जितना जोसेफ है उसकी एज में जोसेफ़ की एज में थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेविड की एज बन जाएगी तो जोसेफ की हमारे पास एक्स है तो डेविड की में हमने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सॉरी जोसेफ की एज में थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेविड की एज बन गई अब वो कह रहा है उन दोनों में कंपैरिजन कराया जा रहा है तो ये किसकी एज है जोसेफ की और ये डेविड की है अब आफ्टर थ्री इयर्स जो आफ्टर लग जाता है स्टूडेंट्स तो इसमें प्लस कर देते हैं जो जोसेफ की एज में भी हमने थ्री प्लस कर दिया ये जोसेफ की एक्स थी तो थ्री प्लस कर दिया और डेविड की थ्री एक्स थी तो इसमें भी थ्री प्लस कर दिया आफ्टर थ्री ईयर्स है तो प्लस थ्री कर देंगे और बिफोर होता तो माइनस करते आपको कह रहा है कि डेविड जो जे डेविड है वो टू टाइम्स है जोसेफ की एज का यानी इसको भी हाइड कर लेते हैं हम टू को तो ये डेविड की एज है ये जोसेफ की एज है आफ्टर थ्री इयर्स ठीक है ना तो डेविड टू टाइम्स हो रहा था तो जोसेफ के भी आपको टू टाइम्स करना पड़ेगा तभी ये दोनों इक्वल एज होंगी ठीक है ना अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है तो टू का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे टू तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा अब थ्री एक्स प्लस थ्री अब एक्स जो है वेरिएबल्स तो इधर वेरिएबल्स की साइड में ही आएगा इदर, ये उठ के ट्रांसफर होकर इधर ये इजिकल टू के इधर होकर ट्रांसफर होकर आएगा तो प्लस का है या माइनस का हो जाएगा और ये भी उधर ट्रांसफर होकर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा जब ये टू एक्स में से थ्री एक्स सपरेट करेंगे अब स्टूडेंट तो माइनस वन होगा और थ्री एक्स में से सिक्स सपरेट करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा माइनस से माइनस के आंसर करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो थ्री होगी तो एक्स हमने किसकी की है सपोज करी थी जोसेफ की तो प्रजेंट एज ऑफ जोसेफ इज थ्री ईयर्स हो गया एंड प्रजेंट एज ऑफ डेविड थ्री एक्स जो हमने सपोज करी थी तो थ्री तो है ही है और एक्स की वैल्यू आप थ्री पुट कर देंगे तो आपके पास थ्री थ्री या नाइन ये डेविड की एज हो जाएगी ओके स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्टीन द विथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज टू थर्ड्स ऑफ इट्स लेंथ यानी कि हमारे पास यदि लेंथ है उसमें टू थर्ड कर देते हैं तो उसकी बिथ बन जाएगी वो रेक्टेंगल की टू थर्ड लेंथ का टू थर्ड करने पर रेक्टेंगल की बिथ आ जाएगी इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ वन हंड्रेड थर्टी फाइव सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल यानी उसकी रेक्टेंगल की डायमेंशनस बतानी है आपको यानी रेक्टेंगल की लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी x सपोज कर लिया हमने और विथ बता रहा है यानी ब्रेथ जो है इसकी जितनी आपकी लेंथ है उसका टू थर्ड है तो लेंथ का हमने टू थर्ड कर दिया तो ये ब्रेथ बन गई अब वो पेरीमीटर हमारे पास बता रहा है कि वो वन हंड्रेड थर्टी फाइव है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करेंगे ट्वाइस द सम ट्वाइस द सम लेंथ एंड ब्रेथ इजिकल टू दिस इज द फार्मूला ऑफ रेक्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ स्टूडेंट वन हंड्रेड थर्टी फाइव अब हमने टू की जगह ये फार्मूले का पुट कर लिया लेंथ तो हमारे पास एक्स थी तो एक्स पुट कर ली और ब्रेथ हमारे पास क्या है टू बाई थ्री एक्स तो थ्री बाई टू बाई थ्री एक्स पुट कर ली अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि टू का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो टू बन जाए टू एक्स और टू टू जाए फोर एक्स फोर एक्स अपन थ्री हो गया अब इनका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में बने इसके थ्री है जब इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो यही नंबर जो है डिनोमिनेटर वाला ये एलसीयम बन जाएगा तो जब एलसीयम बन जाएगा थ्री तो जब इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है ना तो थ्री टू या सिक्स अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि फोर का फोर एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले हमें थ्री से थ्री को डिवाइड करेंगे जो क्वेशनट आएगा वन तो उसका ऊपर फोर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स आ गया अब स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करेंगे आप सिक्स एक्स एंड फोर एक्स को तो आपके पास इन दोनों का सम जो है टेन एक्स होगा अब हमें स्टूडेंट्स टेन अपॉन थ्री को जब ट्रांसफर करके लेफ्ट एंड साइड से राइट एंड साइड में जाएंगे तो इस नंबर को हमें रेसिप्रोकल करना होगा ओके यानी टेन बाई थ्री को हम रेसिप्रोकल करने का मतलब है न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है डिनोमिनेटर वाला नंबर नूमरेटर में पहुंच जाता है जब हम इसको इधर ला रहे हैं तो ये नीचे है डिनोमिनेटर में तो नम्बरीटर में आ गया नम्बरीटर में वो डिनोमिनेटर में हो गया अब टेन से डिवाइड करेंगे वन थर्टी फाइव को तो थर्टीन पॉइंट फाइव इंटू थ्री यानी थ्री से हमें इसको मल्टीप्लाई का कर भी करना है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्टीन पॉइंट फाइव को थ्री से तो फोर्टी पॉइंट फाइव दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स तो ये आपके पास हो गई एक्स क्या सपोज़ करी थी हमने लेंथ तो लेंथ हमारे पास स्टूडेंट्स की आ गई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फोर्टी पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना था टू अपॉन्ट थ्री एक्स ठीक है ना तो टू अपॉन्ट थ्री एक्स टू अपॉन्ट थ्री की जगह टू अपॉइंट थ्री इंटू इंटू एक्स की जगह एक्स की वैल्यू हमने पुट कर ली तो एक्स की वैल्यू फोर्टी पॉइंट फाइव थी जो हमने जो फाइंड की थी और थ्री से जब इसे डिवाइड लगाएंगे तो थर्टीन पॉइंट फाइव टाइम्स से आएगा और थर्टीन पॉइंट फाइव का मल्टीप्लाई हमें टू से करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो और जीरो के बाद ट्वेंटी और डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है तो ये ट्वेंटी इस रेक्टेंगल की ब्रेथ आ गई तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई फाइव फाइव मीटर यानी कि एक्सिड्स का मतलब ज़्यादा होता है जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो उसके ब्रेथ से फाइव मीटर ज़्यादा है लेंथ जो है किस पर डिपेंड कर रही है ब्रेथ पर जब तक हमारे पास ब्रेथ नहीं मालूम होगी उस प्लॉट की तब तक हम रेक, रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो हमें ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या सपोज करना पड़ेगा ब्रेथ सपोज करनी पड़ेगी फिर उसके बाद लेंथ इफ दैरी मीटर ऑफ प्लॉट इज़ 142 मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ पता नहीं है आपको तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्स सपोज कर लिया और लेंथ जो है वो फाइव मीटर ज़्यादा है तो प्लस कर लिया जो ब्रेथ थी उसमें फाइव प्लस कर देंगे तो वो लेंथ बन जाएगी अब पैरीमीटर का फार्मूला पुट करेंगे ट्वाइस द सम मैन लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला पैरीमीटर per, हमारे पास वन हंड्रेड फोर्टी टू दे ही रखा है हमारे पास लेंथ थी कितनी सपोज करी थी एक्स प्लस फाइव और ब्रेथ हमने क्या सपोज करी थी एक्स तो ए ब्रेथ की जगह x और लेंथ की जगह x प्लस फाइव अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे x x को टू एक्स हो जाएगा प्लस फाइव अब टू का मल्टीप्लाई हमें इन दोनों में करना है तो टू टू या फोर एक्स और टू फाइव से टेन अब टेन को ट्रांसफर करके कर लाएंगे हम स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा जी इन दोनों को सेपरेट करने पर वन हंड्रेड थर्टी टू इसका डिफरेंस आएगा अब फोर को डिवाइड में ले जाएंगे और डिवाइड करेंगे फोर से वन हंड्रेड थर्टी टू को तो थर्टी थ्री टाइम्स वो कैंसिल हो जाएगा यानी क्यूशेंट उसका आ जाएगा ठीक है तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ अ प्लॉट इज थर्टी थ्री मीटर हो गया क्योंकि एक्स थी ब्रेथ इसकी अब लेंथ कितनी थी एक्स प्लस फाइव तो एक्स की वैल्यू हमारे पास थर्टी थ्री है इसमें हमने प्लस फाइव कर दिया तो थर्टी एट इज द लेंथ ऑफ अ गिविन रेक्टेंगुलर प्लॉट ठीक है ना जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था उसकी ये लेंथ हो गया और ये इसकी ब्रेथ हो गया स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज फोर मोर देन इट्स ब्रेथ अब यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि लेंथ जो है फाइव मोर थी और यहाँ लेंथ जो है फोर मोर है इसकी ब्रेथ से एंड द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट नाइन्टी टू मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट सेम वही क्वेश्चन है पहले ब्रेथ सपोज करेंगे एक्स फिर लेंथ सपोज करेंगे फोर मोर करके ये फोर मोर है यानी फोर है ठीक है ना मीटर अब आपके पास वही पैरीमीटर का वही प्रोसेस सेम आपको यूज़ करना है ट्राइज द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ठीक है अब आपके पास क्या है टू एक्स प्लस फोर हमारे पास ये लेंथ हो गई और ब्रेथ की जगह हमने एक्सपुट कर दिया वेरी मीट लगी नाइन्टी टू अब इन दोनों को ऐड करेंगे एक्स एक्स को टू एक्स प्लस फोर और टू का मल्टीप्लाई करेंगे टू टू या फोर और टू फोर या एट अब एट को ट्रांसफर करके लाएंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास ये माइनस में हो जाएगा ठीक है ना अब आपके पास माइनस करेंगे इन दोनों को सबरेट करेंगे नाइन्टी टू में से अब एट को सबटेट करेंगे एट्टी फोर इसका डिफरेंस आएगा फोर को डिवाइड में ले जाने पर स्टूडेंट्स और एट्टी फोर को जब कैंसिल करेंगे तो ट्वेंटी वन टाइम्स इसका आंसर आएगा तो ये कैंसिल होने पर एक्स की वैल्यू आ गई एक्स क्या सपोज करा था हमने स्टूडेंट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ट्वेंटी और लेंथ जो थी हमने सपोज करी थी प्लस फोर, तो ट्वेंटी तो रेक्टेंगल ट्वेंटी फाइव जो आंसर आया ये रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ हो गया ये ट्वेंटी वन उसका ब्रेथ हो गया सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लॉट है ई इज टेन मीटर मोर देन द्रेथ यानी कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है वो ब्रेथ से टेन मीटर मोर है एंड द लेंथ ऑफ इट्स फेंस जो फेंस है जो चारों तरफ बाउंड्री के जो बाड़ा लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड फेंस इज ट्वेंटी मीटर लेस जो है वो ट्वेंटी मीटर कम है देन फाइव टाइम्स द ब्रेथ यानी जो उसकी ब्रेथ है उससे फाइव टाइम्स कर दें तो उसकी फेंशन जो है तब भी ट्वेंटी टू मीटर कम बैठती है तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट यानी प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स और एंड लेंथ उसका कितना सपोज कर लिया स्टूडेंट्स हमने मीटर यहाँ लिख लेंगे हम एम ई टी आ ई है ठीक है ना मीटर्स और ये भी मीटर्स में है ठीक है ना अब आपके पास उसकी जो लेंथ ऑफ फेंसिन है वही आपके पास जो चारों तरफ बाढ़ लगाई जाती है वो लेंथ ऑफ फेंसिन है वो आपकी उसका पेरीमीटर भी है और जो लेंथ ऑफ फेंसिन है वो ट्वेंटी टू मीटर कम है उसके ब्रेथ के फाइव टाइम्स कर दिया है तो यहाँ ब्रेथ का फाइव टाइम्स कर रहे हैं हम तभी ये ट्वेंटी टू मीटर कम बैठ रही है तो इसके ब्रेथ के फाइव टाइम्स को भी आपको ट्वेंटी टू कम करना होगा तो आपके पास लेंथ ऑफ पेंशन में भी मैंने बताया था जैसे वो वो कि वो पेरीमीटर की इक्वल होगी क्योंकि चारों तरफ लगाई जा रही है तो आपके पास पेरीमीटर का फार्मूला पुट कर दिया यहाँ फाइव और एक्स की वैल्यू ये ब्रेथ की वैल्यू वैल्यू है एक्स वो पुट कर दी अब इनको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया लेंथ की जगह हमने लेंथ पुट कर दिया ये एक्स प्लस टेन थी तो ये पुट कर दिया ब्रेथ की जगह ये ब्रेथ पुट कर दिया अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करेंगे एक्स एंड एक्स तो टू एक्स हो जाएगा प्लस टेन और टू टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू या फोर और टू से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी अब आपके पास फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी टू हो गया और फाइव एक्स को उधर ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में लाना है और ट्वेंटी टू को उधर ले जाना है राइट हैंड साइड पर ठीक है ऐसी कंडीशन में करने पर इसको ट्रांसफरिंग में साइन चेंज हो जाएंगे तो फाइव का एक्स जो ट्रांसफर होकर आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा ये उधर भी जाकर माइनस का हो जाएगा दो फोर एक्स में से फाइव एक्स का सबट्रेक्ट करेंगे तो माइनस वन आएगा और ट्वेंटी टू में माइनस का ट्वेंटी टू माइनस का ट्वेंटी इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस फोर्टी टू हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा फोर्टी टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स हमने क्या सपोज करा था रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ तो ब्रेथ आ गई आपके पास फोर्टी टू एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्स प्लस यानी एक्स की वैल्यू फोर्टी टू प्लस टेन फिफ्टी टू इसकी लेंथ आ गई प्लॉट की जो थी और ब्रेथ उसकी फोर्टी टू है ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसरिस्ट्रेंगल यानी कि जो इक्वल साइड्स हैं आइसोसलिस्ट एंगल्स का मतलब एनी टू साइड्स आर इक्वल कॉल्ड, बी कॉल्ड आइसोसलिस्ट ट्रायंगल। एक आइसोसलिस्ट ट्रायंगल है उसमें द लेंथ ऑफ इच टू इक्वल साइड दो साइड इक्वल है ऑफ एन आइसोसलिस्ट ट्रायंगल इज फोर मोर यानी कि जो इक्वल साइड्स हैं वो फोर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड तो थर्ड साइड अब जैसे सपोज है हमने इसको एक ट्रायंगल है ये दोनों साइड इसकी इक्वल है ठीक है ना अब जो थर्ड साइड है हमने सपोज कर ली अब जो थर्ड साइड से जो दोनों साइड है वो उसके टू टाइम से इसका टू टाइम से फोर मोर है यानी कि ये जो है इक्वल साइड जो है वो थर्ड साइड से टू एक्स प्लस फोर यानी कि डबल कर दो इसका और इसमें टू एड कर दो जब ये टू एक्स प्लस फोर है तो ये भी होगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो लेट द थर्ड साइड अब ट्रायंगल एक्स सपोज के लिए ट्रगल का साइन हमने बनाया ये ट्रेंगल एंड ईच इक्वल साइड टू एक्स प्लस फोर हर साइड की हो गई सम ऑफ ऑल साइड्स द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है और पैरीमीटर हमारे पास इसमें जो दे रखा है स्टूडेंट्स वो फोर्टी एट है इसका ट्रेंगल का ठीक है ना तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल यानी तीनों साइड आपको फाइंड करनी है ठीक है तो ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स तो आपके पास फर्स्ट साइड हमने यहाँ पर हमारे पास टू एक्स प्लस फोर यानी ये वाली और सेकंड साइड भी हमारे पास टू एक्स प्लस फोर और थर्ड साइड हमारे पास एक्स हो गई तो एक्स टू एक्स एंड टू एक्स फाइव एक्स हो गया फोर एंड फोर एट हो गया अब एट को ट्रांसफर करके लाएंगे माइनस का हो जाएगा सब टिकेंगे फोर्टी हो जाएगा अब फाइव को डिवाइड में ले जाएंगे और डिवाइड लगाएंगे फोर्टी में तो यू विल गेट एट तो ईच इक्वल साइड्स आप आपको पता करनी है जो इक्वल थी ट्रंगल में तो टू एक्स प्लस फोर थी तो आपके पास टू इन टू एट प्लस फोर तो टू एट जो सिक्सटीन प्लस फोर इजिकल टू तो ट्वेंटी यानी ये इक्वल साइड है उसकी वैल्यू ट्वेंटी तो ट्वेंटी सेंटीमीटर हो गई द थर्ड साइड एक्स जो हमने सपोज करी थी वो एट आ गई क्योंकि एक्स की वैल्यू एट है तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ओके स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर एटीन नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई फिफ्टी यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स उनको कहते हैं जो टू एंगल्स को सब जो है का सम जो है वन हंड्रेड एट्टी हो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं और जिनका सम जो है नाइन्टी डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल यानी कि वो दोनों एंगल एक दूसरे से फिफ्टी डिग्री कम है या ज़्यादा है ठीक है ना एक एंगल जब हमने सपोज कर लिया एक्स तो सेकेंड एंगल स्मॉलर एंगल ग्रेटर एंगल है एक्स और इस्मर एंगल एक्स प्लस माइनस फिफ्टी हो गया अब जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका ऑलवेज सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा तो फर्स्ट एंगल हमारे पास एक्स और सेकेंड वाला एक्स माइनस फिफ्टी हो गया तो इन दोनों को ऐड करेंगे टू एक्स उसको ट्रांसफर करके लाएंगे फिफ्टी प्लस का हो जाएगा माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा अब जब ऐड कर देंगे टू वन हंड्रेड एट्टी में फिफ्टी ऐड करेंगे तो टू हंड्रेड थर्टी हो जाएगा और टू को से हम जिसमें डिवाइड करेंगे टू हंड्रेड थर्टी को तो यू विल गेट वन हंड्रेड फिफ्टीन तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई वन हंड्रेड फिफ्टीन अब एक्स क्या सपोज करा था हमने ग्रेटर एंगल तो ग्रेटर एंगल फर्स्ट सप्लीमेंट्री ग्रेटर एंगल वन हंड्रेड फिफ्टीन द सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल एक्स माइनस फिफ्टी तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वन हंड्रेड फिफ्टीन और माइनस फिफ्टी कर देंगे से तो सिक्सटी फाइव तो दिस इज द स्मॉलर अब दो जो है सप्लीमेंट्री एंगल हो गए क्योंकि इन दोनों का सम जो है वन हंड्रेड एट्टी होगा ओके और ये दोनों का डिफरेंस जो है फोर हंड्रेड फिफ्टीन एंड सिक्सटी फाइव का डिफरेंस भी फिफ्टी होगा यू कैन चेक बाई योर सेल्फ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट इन अ राइट एंगल ट्रैंगल सबसे पहले तो ये जानिए कि राइट एंगल ट्रेंगल कैसे कैसे कहते किसको है राइट एंगल ट्रेंगल उसको कहते हैं जिसमें कोई एक एंगल नाइन्टी डिग्री का हो उस ट्रैंगल को नाइन्टी डिग्री राइट एंगल ट्रेंगल कहेंगे तो राइट एंगल ट्रेंगल में जो साइड्स होती हैं जो नाइन्टी डिग्री के अपोजिट होती है यानी सामने होती है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं तो ये हाइपोटेनियस होगी और जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उनमें से एक बेस और एक परपेंडिकुलर होती है तो द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज वन लेस बोला ना द बेस इज वन लेस देन ट्वाइस द परपेंडिकुलर यदि हम परपेंडिकुलर का ट्वाइस कर दें और उसमें से वन माइनस कर दें तो इसका ये बेस आ जाएगा एंड द हाइपोटेनियस इज वन मोर देन ट्वाइस द परपेंडिकुलर यदि परपेंडिकुलर का डबल करके वन एड कर दें तो हाइपोटेनियस हो जाएगा ओके okay? तो फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इफ द पेरीमीटर इज फोर्टी मीटर आपके पास पेरीमीटर बता रहा है इन तीनों साइड को ऐड करके और उसने कहा था लेट द परपेंडिकुलर बी एक्स हमने सपोज कर लिया और बेस बता रहा है कि इसका डबल कर दें यानी कि परपेंडिकुलर के डबल करके माइनस कर दें वन तो इसका बेस आ जाएगा तो बेस आपके पास यह हो गया और हाइपोटेनियस टू एक्स प्लस वन यानी कि इसको डबल कर दें और वन ऐड कर दें तो हाइपोटेनियस आ गया अब हमसे पेरीमीटर कह रहा है तो सभी साइड को हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनिस तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर बनेगा तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फोर्टी सेंटीमीटर था फर्स्ट जो साइड हमारे पास थी वो एक्स थी ये परपेंडिकुलर सेकंड में हमारे पास टू एक्स माइनस फाइव वन हो गई ये बेस था हमारे पास और थर्ड साइड जो हमारे हाइपोटेनिस टू एक्स प्लस वन हो गई और उनका पेरीमीटर फोर्टी अब ये इक्वेशन हमारे पास क्रिएट हो गई ये बना बना ली हमने इक्वेशन और ये प्लस माइनस के नौ नंबर है वो तो कैंसिल हो जाएंगे और टू एक्स टू एक्स एंड वन एक्स फाइव एक्स हो जाएगा फाइव को जब हम डिवाइड करके लाएंगे स्टूडेंट्स डिवाइड में लाएंगे तो ये हमारे पास फोर्टी फोटी को डिवाइड करेंगे तो एट टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास एट परपेंडिकुलर हमारे पास x ही था तो परपेंडिकुलर हमारे पास फाइंड हो गया अब हमें स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है बेस तो बेस की वैल्यू थी टू एक्स माइनस वन तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे तो एट टू या सिक्सटीन माइनस वन सब कर देंगे फिफ्टीन तो दिस इज द बेस और हाइपोटेनियस टू एक्स प्लस वन था तो x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे टू एट जो सिक्सटीन एंड वन प्लस एड करेंगे तो सेवनटीन सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो गया इसका हाइपोटेनियस हो गया तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अ पर्स कंटेन्स रुपीज फिफ्टी थाउजेंड इन नोट्स ऑफ डिनिनेशन ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड एंड रुपीज वन हंड्रेड रेस्पेक्टिवली पर्स के अंदर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ हैं उसमें फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ हैं जो उनमें कुछ नोट जो हैं फाइव हंड्रेड के हैं और कुछ नोट हंड्रेड रुपीज़ के हैं इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज़ टू हंड्रेड यानी फाइव हंड्रेड एंड हंड्रेड के जो नोट हैं उनको टोटल काउंट कर रहे हैं तो उनकी नंबर जो हो रहे हैं नंबर वैल्यू नहीं नंबर जो है वो हमारे पास टू हंड्रेड है फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स यानी कि बैग में फाइव हंड्रेड के कितने नोट हैं और हंड्रेड के कितने नोट हैं तो लेट द नंबर ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज़ नोट बी एक्स हमने एक्स के नोट की वो फाइव हंड्रेड के नोट के नंबर एक्स सपोज कर लिया तो नंबर ऑफ़ हंड्रेड रुपीज़ नोट्स तो टू हंड्रेड टोटल था उनका उसमें से हमने फाइव हंड्रेड के जो नोट थे उनका नंबर को माइनस करेंगे तो ओनली हमारे पास जो नंबर रह जाएगा वो हंड्रेड रुपीज़ के नोट का नंबर रह जाएगा अब उनकी वैल्यूज जो थी वो फिफ्टी थाउजेंड थी तो फाइव हंड्रेड के नोट तो एक्स थे हमने सपोज करें और फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी ऐसे ही हंड्रेड रुपीज़ के नोट का नंबर है टू हंड्रेड माइनस एक्स है इसका वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे अब इसका इसमें और टोटल हमारे पास दोनों की जो वैल्यू होगी वो फिफ्टी थाउजेंड होगी तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक्स हो गया अब हंड्रेड से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हंड्रेड का टू हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड हंड्रेड का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हंड्रेड एक्स अब हमारे पास इक्वल टू 50,000 फिफ्टी थाउजेंड अब फाइव हंड्रेड एक्स में से फोर हंड्रेड एक्स पास पास में रखेंगे और उसको हम ट्रांसफ़र करके इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये अब जब इन दोनों को सप्रेट करेंगे तो फोर हंड्रेड और इन दोनों को सपट्रेट करेंगे तो थर्टी थाउजेंड अब फोर हंड्रेड को डिवाइड में ले जाएंगे और कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट एक्स और एक्स क्या सपोज कर दी थी नंबर ऑफ़ रुपीज़ फाइव हंड्रेड नोट्स यानी कि ये एक्स जो थी वो फाइव हंड्रेड के नंबर थे तो यानी जो फाइव हंड्रेड के नोट्स हैं पर्स में उनकी नंबर्स जो हैं सेवेंटी फाइव है। और नंबर ऑफ हंड्रेड रुपीज़ नोट्स टू हंड्रेड एक्स माइनस एक्स तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव नोट्स हंड्रेड रुपीज़ के हैं ओके तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. मेजर्स फाइव एक्स माइनस टू यूनिट्स यानी फर्स्ट साइड आपके पास ये है फोर एक्स प्लस फाइव ये सेकंड साइड है आपके पास एंड थर्ड साइड थ्री एक्स यूनिट्स यानी यूनिट्स का वला यहाँ सेंटीमीटर या मीटर वगैरह नहीं दिया इसलिए उन्होंने यूनिट्स लिख दिया फाइंड द मेजर ऑफ्स द साइड्स इफ इट्स perimeter 171 हंड्रेड यूनिट्स है यानी कि इन थ्री साइड्स को ऐड कर दें तो पैरीमीटर कितना आता है 171 तो लेट द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रैंगल फाइव एक्स माइनस टू थी और सेकेंड साइड फाइव फोर एक्स प्लस फाइव थी और थर्ड साइड तो, हमारे पास थ्री एक्स थी सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रैंगल इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ ट्रैंगल तो फर्स्ट साइड हमारे पास फाइव एक्स माइनस टू सेकेंड साइड फोर एक्स प्लस फाइव और थर्ड साइड थ्री और जब आप फाइव एक्स फोर एक्स और थ्री एक्स को पास में रख लेंगे और ये दोनों को आपस में या कांस्टेंट टर्म है इसलिए इन दोनों को भी नज़दीक में रख लेंगे पास में जब इन दोनों को सबटेड करेंगे तो थ्री आएगा इन सबों को ऐड करेंगे ट्वेल्व एक्स और थ्री को ट्रांसफर करके ले जाएंगे हम अपना वही प्रोसेस करेंगे जैसे इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने करा था इन दोनों को सबटेट करेंगे वन हंड्रेड सिक्सटी एट ट्वेल्व को डिवाइड में ले जाएंगे हमारे पास यहाँ ट्वेल्व डिवाइड में चला जाएगा एंड ट्वेल्थ से जब इसको कैंसिल करेंगे तो फोर्टीन टाइम्स जाएगा तो एक्स जो हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड होगी हमें फोर्टीन अब तो फर्स्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट साइड ऑफ ट्रा 5x फाइव एक्स माइनस टू है तो एक्स की जगह फोर्टीन पुट कर देंगे फोर्टीन सेवन जा वो फोर्टीन फाइव जा सेवेंटी और सेवनटी में से टू माइनस करेंगे सिक्सटी एट फर्स्ट साइड की लेंथ आ गई सिक्सटी एट यूनिट ठीक है ना द सेकेंड साइड ऑफ ट्राएंगल फोर एक्स प्लस फाइव थी एक्स की जगह फोर्टीन फोर्टीन का मल्टीप्लाई करेंगे फोर से फिफ्टी सिक्स एंड प्लस फाइव एड करेंगे दिस इज द द द लेंथ ऑफ ऑफ साइड साइड थर्ड थी तो so, की जगह पुट करेंगे यूनिट हो गई तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज द कॉस्ट ऑफ सेवन शर्ट्स एंड फाइव पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स इज रुपीज एलेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फाइंड द कॉस्ट ऑफ थ्री शर्ट्स एंड थ्री पेयर ऑफ ट्राउजर्स इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ट्राउजर एक्सट द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट बाई हंड्रेड रुपीज यानी ट्राउजर की जो कॉस्ट है वो शर्ट की कॉस्ट से हंड्रेड रुपीज़ ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ वन शर्ट एक्स सपोज कर लिया और कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स जितना शर्ट किया उसमें हंड्रेड ऐड कर देंगे तो ये ट्राउज़र की कॉस्ट हो जाएगी अब हमारे पास शर्ट कितनी परचेज करी तो सेवन परचेज़ कर कर करी थी हमने तो एक शर्ट की कॉस्ट हमारे पास एक्स रुपीज़ है तो सेवन शर्ट की हमें पता करेंगे सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे एक स... ट्राउजर की कॉस्ट है एक्स प्लस हंड्रेड तो हमारे पास ट्राउजर्स कितने परचेज़ कर रहे हो तो स्टार्टिंग में, में तो हमने जो परचेज करी थी फाइव पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स तो फाइव से इसका मल्टीप्लाई करेंगे इनकी जो वैल्यू आएगी तो टोटल कॉस्ट आएगी वो एलेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड अब इसका सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन एक्स फाइव का इससे मल्टीप्लाई करेंगे फाइव एक्स और फाइव हंड्रेड हो जाएगा और फाइव हंड्रेड को ट्रांसफर करके ले लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये दोनों ऐड करके ट्वेल्व तो एक्स हो जाएगा अब ट्वेल्व को हम डिवाइड में ले जाएंगे स्टूडेंट्स और ट्वेल्व को जब डिवाइड में ले जाएंगे इसको सबट्रैक्ट करने पर हमारे पास वी विल गेट एलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड मिलेगा हम लोगों को तो ट्वेल्थ से डिवाइड लगाएंगे तो नाइन हंड्रेड फिफ्टी और एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे नाइन हंड्रेड फिफ्टी तो कॉस्ट ऑफ वन शर्ट कितनी थी नाइन हंड्रेड फिफ्टी ओके एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ ट्राउजर तो एक्स प्लस हंड्रेड यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो नाइन हंड्रेड फिफ्टी हो गई और वन था और इसमें हंड्रेड ऐड कर देंगे तो ये ट्राउज़र की कॉस्ट हो गई तो वन शर्ट एंड वन ट्राउज़र की कॉस्ट ही आ गई अब वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ थ्री शर्ट्स एंड थ्री पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स तो एक शर्ट हमारे पास नाइन हंड्रेड फिफ्टी की आ रही है थ्री शर्ट्स की कॉस्ट पता करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई एक ट्राउजर आ रही थी वन थाउजेंड फिफ्टी की तो थ्री ट्राउजर्स पूछ रहा था तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे हमने टू टाइम्स दो बार मल्टीप्लाई न करने की वजह से थ्री इसमें से कॉमन ले लिया तो नाइन हंड्रेड फिफ्टी और वन थाउजेंड फिफ्टी आ जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो टू थाउजेंड आएगा टू थाउजेंड का जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स थाउजेंड तो यानी थ्री शर्ट्स एंड थ्री पेयर्स ऑफ ट्राउजर की जो कॉस्ट होगी वो सिक्स थाउजेंड रुपीज़ होगी ओके स्टूडेंट्स इट इज़ एन फॉर टुडे, सो बाय बाय स्टूडेंट्स